ध्यान रखिए तेरे पंजाबी वो। चल हमारे साथ मौजूद है अभी बरोदा हल्के के गांव मुडलाना में पहलवानियों के स्वर दत्त जी और बबीता फोगाट जी, अभी भूपेंद्र मलिक जी हैं जेजेपी से, और इनकी जो चुनावी यात्रा है वो चल रही है, अभी उनसे कुछ बातचीत करेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार। चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है? आप देख रहे होंगे, आप कैमरा घुमा के देखिए, काफ़ी अच्छा है और लोगों का जोश है और प्यार सम्मान जो मिल रहा है योगेश्वर को। कितने बड़े मार्जिन से जीत मान के चल रहे हो? देखिए, जीत कितने भी मार्जिन से हो, जीत जरूरी है जी। आपकी पार्टी किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव में? विकास को लेके, चाहे वो गांव के अंदर IIT दी या कॉलेज दिया हो, महिला कॉलेज दिए हैं, चाहे सड़कों का निर्माण की, तो हर क्षेत्र में जो विधायक न होते हुए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे जो जिस तरह से विकास किया है और यहाँ के विधायक बन के जाएंगे तो इस क्षेत्र का और ज़्यादा विकास होगा। आपकी पार्टी कह रही कि राज में साझा कर लो, साझा उम्मीदवार है, लेकिन बड़ौदा की जनता ये बोल रही है हमने किसी का साझी नहीं लगना, हमने खुद चौधरी। बड़ौदा की जनता ने ऐसा नहीं बोला है, आप हम लोग भी बड़ौदा की जनता के बीच में जा रहे हैं और लोगों का बहुत भरपूर सम्मान प्यार हमें मिल रहा है, तो उससे लग रहा है कि बड़ौदा की जनता ने मन बना चुके हैं कि सरकार के साथ सांझे वो साथ चले। जो पहलवान जी हैं उन्होंने मैदान में दंगल लड़े, उन्होंने मैदानी दाव पेंच सीखे, राजनीति के दाव पेंच भी वो यहाँ पे अच्छी तरह फिट कर पाएंगे। दाव पेंच बिल्कुल जो पहलवानी में सीखे हैं वही दाव पेंच आधे तो यहाँ पे भी काम आएंगे। पहलवानी के अलग दाव पेंच होते हैं, राजनीति के अलग दाव पेंच, लेकिन मेहनत दोनों में होती है ना। मेहनत करेंगे और लोगों का भरपूर मान सम्मान मिलेगा और उनके दिल के उनके विश्वास को जीतेंगे। हर दिन जो चुनाव बदल रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मतलब हर दिन बीजेपी के पक्ष में जो चुनाव आ रहा है, क्या कहेंगे इसको? देखिए, पहले से ये था कि आज इस बार गठबंधन जीतेगा, कमल खिलेगा, और अब तो ये है कि कितनी ज़्यादा मतों से यहाँ पे कमल खिलता है। दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की हुई है, जी जान लगा रखी है, और उसका आपको जो रिजल्ट है वो देखने को मिल रहा है। हर गांव में बहुत ज़्यादा प्यार रोशन मिल रहा है, इस बार बहुत ज़्यादा मतों से हम विजयोगे। आज हमारे साथ में हमारे बड़े भाई भूपेंद्र मलिक हैं। जैसे कि आज बीजेपी पार्टी द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया है हर घर राम राम, उसमें कितने कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं? देखिए, आप ये है कि 50,000 लगभग परिवारों में शायद ही कुछ ऐसा वो है कि जाना है, या 50,000 मतदाताओं से मिलना है, कुछ इस तरह का कार्यक्रम है। मैं अपने जो मेरे प्रोग्राम है इनकी वजह से मेरे को उन प्रोग्राम और नहीं पता, मेरे जो मेरे को गाँव दे रखे कि इन इन गाँव में जाना है, मैं उन गाँव में प्रचार कर रहा हूँ। जेजेपी पार्टी के जो उप मुख्यमंत्री हैं और जो दिग्विजय चौटाला है वो चुनाव प्रचार में नहीं दिख रहे? देखिए, वो चुनाव प्रचार में हैं, दिग्विजय भी और अजय सिंह चौटाला जी भी आए हुए थे। दिग्विजय जी यहाँ पे वर्कर मीटिंग लेते रहते हैं यहाँ पे गोवाना में, दोनों पार्टी कार्यकर्ताओं की, और पूरी टीम लगी हुई है। केसी बांगड़ जी लगे हुए हैं, हमारे बड़े भाई भूपेंद्र मलिक लगे हुए हैं, बड़े जोर जोर से कार्यक्रम करने में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं सीधी लाइव तस्वीरें द लोकल न्यूज से, पहलवान योगेश्वर दत्त है, बबीता फोगाट जी हैं जेजेपी पार्टी से, भूपेंद्र मलिक जी भी हैं। गांव मुडलाना में किस तरह से इनका ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया जा रहा है, हर तरफ जो भगवा रंग है, और जो जेजेपी का आप देख सकते हैं लगातार कार्यकर्ताओं में किस तरह से जोश है, उमंग है। ये तो आने वाली 3 तारीख को पता चलता है कि बड़ौदा हल्के के मतदाता किसकी को यहाँ से चंडीगढ़ की विधानसभा में भेजेंगे। आप देखते रहिए लाइव तस्वीरें, हम आपको दिखा रहे हैं दालों कल से, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। देख सकते हैं किस तरह से कार्यकर्ता जय श्री राम के नारे भी यहाँ पर लगातार लगाए जा रहे हैं, और लगातार जो उनका रोड शो है, बाइक पे सवार होकर जो उनके कार्यकर्ता है किस तरह से उनका स्वागत कर रहे हैं ढोल नगाड़ों के साथ। सीधी लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, हमारे साथ मौजूद है इस समय बबीता फोगाट जी, पहलवान योगेश्वर दत्त जी।